हाँ क्या शिकारियों, कहते शिकारियों आ गए हो। जी? वालेकुम सलाम भाई, तो आज कैसे हो? शिकार की पूरी तैयारी करके आप आए हैं। हाँ जी, अरे भाई 2 फुट बड़ा पड़ी। बताइए, देखें वहाँ से, वो देख रहे हैं किस जगह पे हमारा शिकार जो है वो है, आपको नजर आ रहा होगा आई होप। तो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आपने लाइक करना है। इसी वक्त भी यहाँ पे गिरने का चांस हो सकता है, तो आवाज मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आवाज आएगी तो शिकार भाग सकता है। तो हम इस रास्ते से गुजरते हुए आगे हमने जाना है। हाँ, अभी हम पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से, आप ऊपर चलें, ऊपर तो चलें। नहीं, मैं अभी इधर से यहाँ से आगे मैं जाऊंगा। अपनी जगह का वो करो कवर करूंगा। अच्छा, और अभी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ पोजीशन लेने। जो अंदर तुम हो रहे कसवा पहाड़ी के साथ, देख पहाड़ी के साथ मोस्ट मोस्ट पहनने सब सब। तो भाई कोशिश करें हम, मैं आपको दिखाता हूँ अभी गाइस, ये काफ़ी मुश्किल हो रही हैं। तो भाई शिकार को देख रहे हैं, वो कहाँ किस जगह पे है। तो आफाक महबूब के पास टेलीस्कोप है, वो उसे देख रहा है शिकार कौन सी जगह पे है। वो शिकार को चेक कर रहा है, उसके बाद वो आरिफ भाई को बता देंगे कि उस जगह पे शिकार है, फिर वो उसको आप उस जगह आगे जो जाड़ी है उसके पीछे है। कह रहा आफाक भाई अभी देख रहा है, करें हमारा फायर निशाने पे लग जाए और हमें कामयाबी मिले। अभी आफाक भाई और आरिफ भाई आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पीछे थे, अभी वो ऊपर निकल चढ़ रहे हैं ताकि शिकार अच्छी तरह से नजर आए। क्या अभी मैं आपको कर रहे हैं? अभी मैं तो आप तैयार हूँ, आफाक अभी हेल्प हेल्प कर रहा हूँ उसको। शिट, हमारा शिकार हाथ से निकल गया, आरिफ भाई का निशाना खता हो गया। अभी आफाक भाई देख रहा है दूरबीन पे। मैं आपको उस जगह पे भी ले जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा शिकार है। अभी पीछे छुपा हुआ आफाक भाई ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो जगह जो आपको झाड़ियाँ नजर आ रही है आगे, उस एरिया में पहाड़ों के पीछे गया है शिकार। आरिफ भाई निशाने पे हैं, अभी फायर कर रहे हैं। खुशी में आरिफ भाई, आफाक भाई और नजम भाई नाच रहे हैं क्योंकि शिकार हो गया है आज हमारा। आखिर हमें कामयाबी मिल ही गई, अल्लाह का शुक्र है। इसी खुशी में अभी हम आगे शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा गाइस फाइनली, गाइस इतनी बर्फ के अंदर धसने के बाद आरिफ भाई की गोली सीधा शिकार पे लगी। यस, अब ऊपर जाके लाएगा कौन? कौन लाएगा? लाएगा कौन उसको? हम सब हम सब जाएंगे, वो अकेले बंदे नहीं ला सकते, उसको बड़ा है यार, वो काफी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे है, तो 2-3 बंदूक को जाना होगा। सब शाम को भेजा है जब तक वो ऊपर से लेके आते हैं, क्योंकि यह होता है कि ऊपर देखें आप पहाड़ है, लैंड स्लाइडिंग का बहुत खतरा हो सकता है, तो बर्फ काफी पड़ी है, तो हम तीनों नहीं जा सकते, रिस्क लेना ठीक नहीं है। अब वो आता है तो हम दिखाते हैं आपको। तो अरे भाई आप बताए ना, पहला पहली जो गोली थी आपने मिस क्यों की? जी जी, इसका इसकी वजह यह थी कि मेरे आंखों पे धूप भी पड़ रही थी। हाँ। और शिकार बहुत दूर पर था तो उसका ताकुब करना बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं तो सेकंड वाले तो आपने बिल्कुल, मैंने आपको सही प्रेडिक्शन दी ना, उस सेकंड में आपने सही बताया, भी सही बताया, और फिर मैंने मुकम्मल फोकस किया इसको करने के बाद, उसको गिराया मैंने। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गिराते वक्त आपने तकबीर वगैरह पढ़ी थी? पढ़ी है, ये तो उसूल होता है एक शिकारी का। अच्छा, कि वो जब शिकार करता है तो गोली चलाने से पहले तकबीर पढ़ता है।